वाहन में लोड कर कालाबाजारी का एक मामला सामने आया है, जहां पर वेयरहाउस से लोड होकर सोसाइटियों में वितरण के लिए निकलने एक ट्रक को संदिग्ध स्थिति में जब्त किया गया। जिले में एडिशनल एसपी ने बताया है कि ट्रक में 400 बोरा चावल, 28 बोरा नमक और 14 बोरा शक्कर लोड था, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। बहरहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रक, क्रूजर और राशन के साथ गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के बोरियों को दूसरे गाड़ियों में क्रूजर में शिफ्ट कर रहा है। कागजात पूछने पर और जानकारी लेने पर पर्याप्त जवाब नहीं मिलने से उस पर इसी एक्ट की धारा 307 और 407 IPC का अपराध पंजीबद्ध थाना कोतवाली में किया गया है, जिसमें ट्रक चालक, वाहक और चावल खरीदने वाले को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया। रायपुर में तृतीय वर्ग कर्मचारी